पति ने पत्नी का गला रेत कर सुलाया मौत की नींद। चरित्र पर शक होने के चलते दिया इस वारदात को अंजाम। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ससुराल आए पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह जब परिजनों ने बेटी का लहूलुहान स्थिति में शव देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मां की मौत के बाद से 3 साल की बेटी रिया का रो रोकर बेहाल है। बताते चलें कि पूरा मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी साधना का यह 5 वर्ष पूर्व कुड़वार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला निवासी शिव कुमार के साथ हुआ था। लोगों ने बताया कि पति और पत्नी में बराबर मारपीट हुआ करती थी। पति शिव कुमार पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी के चलते आए दिन दोनों में विवाद भी होता था। बीते कुछ दिनों से साधना मायके आई हुई थी। सोमवार को शिव कुमार विदाई लेने के लिए ससुराल आया और रात के समय उसने उठकर धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत डाला। खून के प्यासे शिव कुमार ने साधना के शरीर को बिस्तर पर तड़पता छोड़ सिर को खेत में ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। सुबह परिवार वालों की जब आंख खुली तो उन्होंने इस मंजर को देखा तो वहां कोहराम मच गया। इस बीच ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपित पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। SP शिवहरी मीणा ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है, लेकिन अभी वो पकड़ से दूर है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना धम्मौर के अंतर्गत रामपुर गाँव में साधना कोरी और विजय कोरी की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों में पिछले कुछ महीनों में विदाई को लेके अनबन थी। उसी क्रम में विजय कोरी इनके घर आया हुआ था और कथित परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।